हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम अर्णव है, मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। ये बात 3 महीने पहले की है, जब एक दिन मैं अपने दोस्त के घर उसके बेटे के बर्थडे पर गया था। और जब मैं उसके घर से वापिस अपने घर लौट रहा था, तब रास्ते में अचानक मेरी बाइक खराब हो गई। मैंने कई बार बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, पर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर मैं पैदल ही घर जाने लगा। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मैंने रोड के दूसरी साइड से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनी। दोस्तों, उस वक्त रात के 8-9 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी रात गए कोई औरत जंगल में क्या कर रही है, तो मैं उस औरत की आवाज की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर जंगल के अंदर पहुंचा ही था कि तभी मुझे कई और औरतों के चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। मैं तेजी से उन आवाजों की तरफ बढ़ने लगा और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कई नर बच्छी पिशाच 3-4 औरतों को नोच नोच कर उनका मांस खा रहे थे, और वो औरतें जोर जोर से चीख रही थी और रो रही थी। वो सब देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। लेकिन पिशाचों को शायद मेरे मांस की गंध लग चुकी थी। और फिर पेड़ के पीछे छिपे हुए ही मैंने देखा 3-4 पिशाच मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं वहां से पूरी जान लगाकर रोड की तरफ भागा और मेरे कदमों की आहट सुनकर लगभग एक दर्जन पिशाच गुर्राते हुए मेरी तरफ भागे। मैं दौड़ते हुए रोड पर पहुंचा और फिर भागते भागते मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी को स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की। किस्मत से मेरी बाइक पहली किक में ही स्टार्ट हो गई। मैं बाइक को फुल स्पीड में चलाकर अपने घर की तरफ भागा और तभी मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी, तो मैंने देखा वो नर बच्ची पिशाच मेरी गाड़ी की तरफ ही दौड़ते हुए आ रहे थे। वो इतनी तेज भाग रहे थे कि एक बार को तो मुझे लगा कि जल्दी ही वो मेरी बाइक पर छलांग मारकर चढ़ जाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से मैं उन पिशाचों से आगे निकल गया और मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम हर्षित है, मैं आपको अपने और अपने पापा के साथ घटी सच्ची घटना बताना चाहता हूं। दरअसल हम पापा के दोस्त के बेटे की शादी से होकर वापस घर लौट रहे थे। रात के 2:30 बज रहे थे। पापा कार ड्राइव कर रहे थे और मैं पापा के साइड में बैठा था। हम अपने घर की ओर बढ़ रहे थे कि तभी पापा ने अचानक से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। तभी मैंने सामने की ओर देखा तो एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। पापा ने हॉर्न भी बजाया पर वो आदमी हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी पापा ने धीरे से उसके साइड से गाड़ी निकाली तो वो आदमी हमें एकटक घूर रहा था। उसकी आंखें बेहद खौफनाक थी और तो और वो अजीब सा दिख रहा था। उस आदमी के पास से निकलते ही पापा ने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज कर दी। मैंने पूछा भी कि
क्या हुआ पापा? पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने गाड़ी के बाहर देखा तो वो आदमी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया और हैरान था कि कोई आदमी भला गाड़ी के साथ कैसे चल सकता है। तभी पापा ने मुझसे कहा कि उसकी तरफ मत देखो, वो एक नरभक्षी पिशाच है। मैंने उसी वक्त अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम अपने घर के करीब पहुंच गए। तभी मैंने देखा कि वो नरभक्षी पिशाच मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एकदम से रुक गया और बोला, जा, आज तो तू बच गया। तेरे घर में कोई बड़ी शक्ति है जो मुझे तेरे घर के पास आने से रोक रही है और तुम दोनों को बचा रही है। वो मुझे जला रही है, वरना आज मैं तुम दोनों को छोड़ता नहीं। गाड़ी की आवाज सुनते ही घर के लोग बाहर आ गए। घर वालों ने पापा को गाड़ी से बाहर निकाला तो पापा का शरीर जोर जोर से कांप रहा था और उस दिन मेरी भी तबीयत खराब हो गई। हमारी बातें सुनकर सभी घर के लोग बेहद डर गए। दोस्तों, ये मेरे और मेरे पापा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आयुष्मान खुराना है। मैं आपको अपने छोटे भाई के साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात 9 महीने पहले की है, जब मैं और मेरा छोटा भाई जंगल घूमने गए थे। हमारे पास एक जीप है, उसी से मैं और मेरा छोटा भाई जंगल घूमने गए थे। हमारा जंगल में 2-3 दिन रुककर अच्छे से जंगल को विजिट करने का प्लान था, इसीलिए हम 2-3 दिन का सामान एक्स्ट्रा ले जा रहे थे। हम दोनों भाई जंगल पहुंच गए और दिन भर हमने जंगल में खूब मौज मस्ती की और फिर रात में कैंप लगाकर जंगल में ही सो गए। देर रात जब अचानक से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरा छोटा भाई गायब था। मेरा छोटा भाई मेरे बगल में ही सोया था। मैं बहुत घबरा गया क्योंकि जंगल में किसी अपने का बिना बताए गायब हो जाना छोटी बात नहीं है। और फिर वो तो मेरा भाई था। मैं उठकर कैंप से बाहर निकलकर उसको इधर उधर ढूंढने लगा। मैंने अपनी टॉर्च जला रखी थी। मैंने जैसे ही टॉर्च जमीन पर मारी तो मैंने देखा जमीन पर खून की बहती धार जंगल के एक ओर अंदर तक गई है। वो देखकर मैं एकदम से सकपका गया और अधीर कदमों से उस खून की ओर बढ़ने लगा। उस खून की तरफ बढ़ते हुए अभी मैं कुछ दूर आगे चला ही था कि तभी मैं एकदम से रुक गया और मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा 4-5 नरभक्षी पिशाच मेरे छोटे भाई का मांस नोच नोच कर खा रहे थे और लगभग उसकी आधी लाश को खा चुके थे। वो देखकर मेरा चेहरा लाल पड़ गया और मैं बिना कोई आहट किए जिससे उन पिशाचों को मेरी मौजूदगी का आभास हो वहां से निकलकर अपनी जीप के पास आ गया और फौरन जीप स्टार्ट करके मैं वहां से निकल गया। दोस्तों, ये मेरे और मेरे छोटे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मुकेश है। मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। उस दिन एक कब्रिस्तान के सामने की रोड पर खुदाई का काम चालू था और मुझे भी वही काम पर जाना था। दिन भर काम करके मैं बहुत थक चुका था, पर बड़े साहब का ऑर्डर था
कि रोड की खुदाई रात में भी बंद नहीं होगी, क्योंकि उस रोड की मरम्मत कराना किसी कारणवश बेहद जरूरी था। रात में मैं और मेरा साथी वर्कर राजू काम कर रहे थे। बाकी के सारे वर्कर बड़े साहब के कहने पर पास वाले ढाबे पर खाना खाने के लिए गए हुए थे। हम दोनों काम कर ही रहे थे कि तभी हमें कब्रिस्तान में से किसी के घुर्राने की आवाज आने लगी, और जब हमने कब्रिस्तान पर एक नजर डाला तो हमने देखा कई ऊंचे ऊंचे कद के लोग हमारी तरफ तेजी से घुर्राते हुए आ रहे थे। मैंने राजू से चीखते हुए कहा कि राजू चल भाग यहां से, हमें इनसे खतरा है। पर राजू मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने फावड़ा हाथ में लेते हुए कहा कि आने दो सालों को, आज मैं इनको इनकी औकात बता दूंगा। लेकिन मैं वहां पर बिना रुके तुरंत भाग गया और कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। पेड़ के पास से छिपकर मैंने देखा वो ऊंचे कद के लोग बेहद ही तेजी से घुर्राते हुए राजू की तरफ आ रहे थे। अंधेरा काफी होने की वजह से उन लोगों का चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा वो लोग राजू के बेहद पास आ गए और तब मेरी नजर उनके चेहरों पर पड़ी। उनकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी और उनके दांत उनके मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो देखकर मैं बेहद ही डर गया और भगवान से राजू की जान बचाने की प्रार्थना करने लगा कि तभी मैंने देखा उनमें से एक पिशाच ने राजू के सीने पर इतनी तेज हाथ मारा कि उस पिशाच का हाथ राजू की छाती के आर पार हो गया, और फिर उस पिशाच ने राजू का दिल निकालकर वहीं खा लिया। और फिर सभी नरभक्षी पिशाच राजू को नोच नोच कर जिंदा ही खा गए और वापिस कब्रिस्तान में लौट गए। तो दोस्तों, ये थी मेरे छोटे भाई राजू के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वेयरवॉल्फ मतलब कि ऐसा सापित शैतान जिसके बारे में बताते हैं कि ये होता तो इंसान है लेकिन कई बार अकाल मृत्यु के बाद इंसान मानव भेड़िया यानी कि वेयरवॉल्फ में बदल जाता है। अकाल मृत्यु मतलब ऐसी मौत जो समय से पहले ना चाहते हुए भी सुसाइड या फिर मर्डर में हो गई हो, और ऐसी मौत के बाद लोगों में से कोई एक बनता है एक नरभक्षी मानव भेड़िया। ये घटना कर्नाटक के मांड्या जिले में रहने वाले अंशुमन के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। बताते हैं कि अंशुमन बहुत ही सीधा और हंसमुख व्यक्ति था, लेकिन अपने परिवार से वो काफ़ी परेशान था, खासकर अपनी पत्नी और बेटे से। आए दिन दोनों पति पत्नी में लड़ाई होती रहती थी, और लड़ाई भी ऐसी वैसी नहीं, बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। कहते हैं व्यक्ति जितना सीधा होता है अंदर से वो उतना ही गंभीर होता है। आए दिन घर में हो रहे झगड़ों से अंशुमन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, और एक दिन दोपहर 2:30-3 बजे के आसपास अंशुमन अपने घर पर आराम करने के लिए आया। अंशुमन खाना ही खा रहा था कि तभी उसकी पत्नी ने उसकी खाने की थाली को उठाकर दूर फेंक दिया और उससे कहा कि सिर्फ खाना खाने के लिए घर चले आते हो, अभी हमने खाना खाया भी नहीं और तुम अकेले अकेले खाना खाने लगे हो। उसकी पत्नी और उसका बेटा उसको दबाकर अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जब मैंने तुमसे कहा था
कि अनिरुद्ध और उसके पूरे परिवार से तुम बात मत करना, पर मेरी बात तेरे भेजे में कभी नहीं घुसती। उस पर चिल्लाते हुए उसकी पत्नी ने कहा कि सुबह ही मैंने देखा तू अनिरुद्ध और उसके घर के पास खड़ा उनसे बातें कर रहा था। अपनी पत्नी की इस हरकत से अंशुमन हाथ जमीन पर पटकता हुआ अभी खड़ा ही हुआ था कि तभी उसका अपना बेटा हाथ में बड़ा सा डंडा लेकर अपनी मां के साथ खड़ा हो गया। अंशुमन ने जब देखा कि उसका अपना बेटा हाथ में डंडा लिए उसके सामने खड़ा है तो उसने चिल्लाते हुए उससे कहा कि तू मुझे मारेगा, अपने बाप को मारेगा तू। ये कहते हुए अंशुमन उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके अपने सगे बेटे ने उस पर 3-4 बार डंडे से वार कर दिया। रोता हुआ अंशुमन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी और बेटा उसे रोता हुआ छोड़कर वहां से चले गए। रोता हुआ अंशुमन वहीं जमीन पर पड़ा रहा। एक बाप के लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी कि उसका अपना बेटा और पत्नी उसको मारने पीटने लगे हो। लगभग 4 घंटे तक जमीन पर यूं ही पड़े रहने के बाद अंशुमन ने अपनी जान देने का निश्चय कर लिया और उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और नदी के पास जाकर वो पुल से नदी में कूद गया और आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी और बेटे ने सोचा कि शायद गुस्सा होकर अंशुमन अपने किसी दोस्त के घर चला गया है, इसीलिए खाना खाकर दोनों माँ बेटे सो गए। सुबह भी जब अंशुमन घर नहीं लौटा तो अंशुमन की पत्नी ने अंशुमन के रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन लगवाकर पता किया कि कहीं गुस्सा होकर अंशुमन उन्हीं के घर पर तो नहीं पहुंच गया। लेकिन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें मना कर दिया कि अंशुमन यहां नहीं आया है। पूरा एक दिन बीत गया मगर अंशुमन का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह पुलिस में अंशुमन के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और छानबीन के दौरान पुलिस को शाम 4:30 बजे के करीब नदी के पुल के पास अंशुमन की लावारिस बाइक मिली। पुलिस ने नदी में जाल डलवाकर अंशुमन को घंटों ढूंढा मगर अंशुमन की डेड बॉडी कहीं नहीं मिली। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात वेयरवॉल्फ अपनी पूरी शक्ति में आ जाते हैं। नदी में एक पत्थर पर फंसी अंशुमन की लाश धीरे धीरे एक मानव भेड़िए में तब्दील हो रही थी और फिर अंशुमन बनकर तैयार हो गया, एक नर बच्ची मानव भेड़िया। एक मानव भेड़िया में कोई इमोशंस नहीं होते और एक वेयरवॉल्फ पूरी तरह से एक रैबिज से पीड़ित पागल कुत्ते जैसा हो जाता है जिसके दिमाग पर सिर्फ गुस्सा सवार होता है। एक नरभच्छी भेड़िया के दिमाग में सिर्फ उसकी बुरी यादें सक्रिय होती हैं। उन बुरी यादों को याद कर करके आने वाले गुस्से पर एक वेयरवॉल्फ का कोई काबू नहीं होता है। नरभच्छी अंशुमन अपने घर पहुंच गया और उसने अपने घर का दरवाजा तोड़ दिया। अंशुमन का बेटा और पत्नी एक मानव भेड़िया को अपने सामने देखकर एकदम से सकपका गए और उनके पसीने छूट गए। तभी उस नरबच्ची अंशुमन ने अपने बेटे पर हमला कर दिया और उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। इधर अंशुमन की पत्नी अधीर कदमों से घर से बाहर निकल रही थी और टूटे हुए दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी नरबच्ची अंशुमन ने उस पर भी हमला कर दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद आए दिन कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले के कई गांवों में
आए दिन किसी मानव भेड़िया को देखे जाने की बातें सामने आई हैं। बताते हैं कि वो दिखने में तो आदमी जैसा है, लेकिन उसका सर भेड़िए का है और हाथों पर बेहद नुकीले पंजे हैं। उस घटना के बाद किसी भेड़िए द्वारा किसी इंसान के मरने की खबर तो नहीं आई, लेकिन आज भी मांड्या जिले के कई गांवों में जानवरों के गायब होने और जानवरों की अधखाई बॉडीज की बातें सामने आती हैं। तो दोस्तों, ये थी अंशुमन और उसके परिवार के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब विनोद अपने घर लौटकर वापिस आ रहा था। उसकी ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। वो अपने स्टेशन पर उतरा तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर देर रात को सवारी मिलने पर बहुत ही दिक्कत होती है। फिर भी विनोद का घर शहर के बाहर ही पड़ता था, इसीलिए वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया तो उसने एक आदमी को सामने से काफी दूरी से अपनी ओर आता देखा। और तभी विनोद को उस आदमी की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर बहुत ही भयानक आवाज में गुर्रा रहा हो। विनोद को लगा शायद कोई कुत्ता होगा। विनोद भी उस आदमी की तरफ आगे बढ़ता रहा और जब विनोद उस आदमी के और पास पहुंचा तो वो गुर्राने की आवाज और तेज आने लगी। वो आवाज काफी अजीब थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान जानवर की तरह गुर्रा रहा हो। विनोद अब थोड़ा सहम चुका था। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट उस आदमी की तरफ घुमाई। इसके बाद फ्लैशलाइट की रोशनी में विनोद ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर विनोद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल विनोद ने देखा कि उससे थोड़ी दूरी पर आधा इंसान और आधा भेड़िए जैसा कोई जीव अपने दो पैरों पर खड़े होकर सीधा विनोद को ही घूर रहा था। वो जीव बिल्कुल किसी आदमी जैसा था, बस उसका सिर और हाथ और पैर किसी भेड़िए के जैसे पंजे वाले थे। उस जीव को देखकर विनोद इतना ज्यादा डर गया था कि कुछ सेकंड तक वो वहां खड़ा होकर बस उसे देखता ही रहा। फिर एकदम से वो जीव कुर्राते हुए विनोद के ऊपर झपटा। उसे अपनी तरफ आता देख विनोद भी भागने लगा। फिर उस जीव ने अपने पंजे मारकर विनोद को जमीन पर गिरा दिया और विनोद को अपने मुंह से नोचने लगा। अपनी जान पर पनता देख विनोद भी उस जीव पर लाते चलाने लगा। विनोद की कई लाते उसके पेट और मुंह पर पड़ी। फिर विनोद के लाते मारने की वजह से वो जीव थोड़ा पीछे हटा और मौका पाकर विनोद दोबारा वहां से भागने लगा। फिर भागते हुए ही विनोद को थोड़ी दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी। विनोद उस झोपड़ी की तरफ भागने लगा। वो भयानक जीव भी बहुत ही तेजी से विनोद के पीछे आ रहा था, इसीलिए विनोद अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से उस झोपड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। विनोद झोपड़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी उस जीव ने विनोद का एक पैर अपने मुंह में दबोच लिया। वो जीव बड़ी बेरहमी से विनोद के पैर को नोचते हुए विनोद को झोपड़ी से नीचे खींच रहा था। इसके बाद विनोद बहुत तेज तेज चीखने चिल्लाने लगा। विनोद के चिल्लाने की आवाज सुनकर उस झोपड़ी से दो आदमी बाहर निकल आए। उन आदमियों ने भी उस भयानक जीव को
विनोद पर हमला करते हुए देखा। फिर तुरंत ही उन लोगों ने उस जीव पर पत्थर मारना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उन लोगों के भगाने से वो अजीब भयानक जीव विनोद को छोड़कर दूर भाग गया। इसके बाद विनोद ने तुरंत अपने घर वालों को फोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। फिर विनोद के घर वाले वहां आकर उसे घर ले गए। फिर अगले दिन विनोद हॉस्पिटल गया अपना इलाज कराने के लिए। विनोद के पैर पर काफी बड़ा घाव हुआ था। इलाज के दौरान 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद विनोद अपने घर आ गया और अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज भी इस घटना को याद करके विनोद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी विनोद के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राघवेंद्र है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। जब मैं शिवाजी नगर से देर रात घर लौट रहा था, रोड पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। रोड के दोनों साइड घने पेड़ थे। मैं उस रास्ते पर कार को तेज रफ्तार में चला ही रहा था कि तभी मैंने बीच रोड पर कुछ बहुत ही अजीब चीज नोटिस करी। रोड के बीचों बीच कोई रहस्यमय जीव आगे की तरफ भागता हुआ जा रहा था। वो जीव दिखने में तो इंसान जैसा था, लेकिन उसके सर पर इंसानी सर नहीं था। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक वेयरवॉल्फ को देख रहा हूं। और तभी मैंने देखा एक आदमी साइकिल को जोर जोर से भगाते हुए जा रहा था। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा हो। कि तभी उस भयानक जीव ने अपने पंजे से उस आदमी पर हमला कर दिया और वो आदमी साइकिल से नीचे गिरते हुए काफी दूर तक घिसटता हुआ चला गया। कि तभी वो आदमी एकदम से उठकर खड़ा हो गया और पैदल ही भागने लगा। मैं रोड पर गाड़ी की लाइट में साफ साफ उस आदमी के कंधे और पैरों से बहता हुआ खून देख पा रहा था। कि तभी उस नरभक्षी भेड़िए ने अपने नुकीले पंजों से उस आदमी की पीठ पर ऐसा वार किया कि उसकी पीठ का मांस फटकर जमीन पर गिर गया। मैं आपको किन शब्दों में बताऊं कि उस आदमी के शरीर के अंदर का पूरा मांस उस वेयरवॉल्फ के एक ही हमले से बाहर आ गया था। वो आदमी झटपटाकर जमीन पर गिर पड़ा और वो नरभक्षी भेड़िया उसे नोच नोच कर उसका मांस खाने लगा। आपको मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सच है कि उस वक्त मेरी कार पर एसी चलने के बावजूद उस खूनी मंजर को देखकर मैं पसीने से लथपथ हो गया था। मैंने फौरन अपनी कार वापस घुमाया और यू टर्न लेकर मैं वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। फिर उस आदमी का क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, पर मुझे लगता है कि उस नरभक्षी भेड़िए के इतने भयानक हमले के बाद वो जिंदा तो नहीं बचा होगा। और तो और, वो नरभक्षी भेड़िया उसका मांस नोच नोच कर खा रहा था। जरूर वो नरभक्षी भेड़िया उस आदमी को मारकर खा गया होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अंजलि है और ये मेरी 2 दोस्त जूली और नैन्सी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। तो कहानी ऐसी है कि मैं, जूली और नैन्सी शॉपिंग करने गई थी और शॉपिंग करते वक्त मेरे फोन पर मेरी माँ का कॉल आया। माँ ने बताया कि घर पर कुछ रिश्तेदार आ गए हैं
तो मुझे फौरन घर पर आना होगा। मैंने जूली और नैन्सी को पूरी बात बताई और अपने घर निकल गए। अब जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका मुझे कैसे पता चला, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरे जाने के बाद जूली और नैन्सी ने काफ़ी टाइम तक शॉपिंग की और उसके बाद दोनों अपने अपने घरों के लिए निकल पड़ी। लेकिन दोनों थी अपनी अपनी स्कूटी पर, मगर दोनों का रास्ता एक ही था। दरअसल जूली और नैन्सी का घर आमने सामने ही है। जूली और नैन्सी जिस रास्ते से घर जा रही थी वो रास्ता बहुत कम चलता है, इसीलिए वे दोनों रोड के बीच ही अपनी गाड़ियों से बातें करते जा रही थी। और तभी अचानक से नैन्सी की गाड़ी बंद हो गई और कई कोशिशों के बाद भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। जूली ने भी अपनी स्कूटी रोड के साइड पर खड़ी कर दी और वो भी नैन्सी की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिशें कर रही थी। मेरी दोनों दोस्त काफ़ी परेशान हो चुकी थी और अंधेरा भी धीरे धीरे होता जा रहा था। फिर जूली ने नैन्सी से कहा कि वो उसके साथ उसकी स्कूटी पर चले और फिर कल सुबह गाड़ी को किसी मैकेनिक को दिया जाएगा। नैन्सी ने भी उसकी बात मान ली और वो उसके साथ जाने ही वाली थी कि तभी उन दोनों को पीछे से एक आवाज़ आई, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मेरी दोनों दोस्त पहले तो बहुत डर गए क्योंकि अभी तक तो वहाँ कोई भी नहीं था और अचानक ये कौन उनको बुला रहा था। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक हट्टा कट्टा नौजवान युवक उनके सामने खड़ा था और उसने उनसे फिर से कहा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो नैन्सी ने उससे कहा कि हाँ, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? तो उसने नैन्सी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी गाड़ी को ठीक करने लगा और फिर 5 से 10 मिनट में स्कूटी स्टार्ट हो गई और फिर नैन्सी उसे कुछ पैसे देने लगी तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया और हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से जाने लगा। मेरी दोनों दोस्त उस लड़के को ही देख रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़का रोड के साइड पर घनी झाड़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया और वहीं से उसने नैन्सी को अपने पास बुलाया, मगर जूली ने नैन्सी को उसके पास जाने से मना कर दिया और तुरंत वहाँ से चलने को कहा। मगर नैन्सी तो जैसे उस लड़की की ही हो गई थी और वो जूली को नज़रअंदाज करके उस लड़की के पास पहुँच गई। उस लड़के ने अपना हाथ नैन्सी के सामने बढ़ाया और नैन्सी ने भी अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और तभी अचानक वो लड़का बिल्कुल बदल गया। वो 8-9 फुट का एक लंबा चौड़ा आदमी बन गया और उसके सर पर एक सींग निकला हुआ था और उसके पैर बहुत छोटे थे, मगर शरीर पर एक लंबी पूंछ निकली हुई थी, बिल्कुल डायनासोर्स की तरह। और फिर उसने नैन्सी को जोर से खींचा और वो नैन्सी को झाड़ियों के अंदर ले गया और फिर जूली को नैन्सी की बेहद ही दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। और ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि जूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहाँ से भाग निकले। अगले दिन हम दोनों को, मुझे और जूली को, इस बात का पता चला कि नैन्सी की मौत हो चुकी है, किसी ने बहुत ही गलत तरीके से उसका बलात्कार किया है और फिर उसे जान से मार दिया है। मैंने तुरंत जूली को फ़ोन किया और फिर मैंने उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तुम दोनों तो साथ थी ना? तो जूली ने मुझसे कहा, ये सब बातें फ़ोन पर नहीं की जा सकती, मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रही हूँ।
फिर जूली मेरे घर पहुंची और फिर उसने मुझे ये सारी बात बताई कि कैसे उस शैतान ने मेरी दोस्त को अपने वश में कर लिया और फिर कैसे उसने उसके साथ ये गलत काम किया। जूली ने बताया कि वो काफ़ी डरी हुई है क्योंकि उस शैतान की नज़र उस पर भी पड़ी थी और कहीं वो उसके साथ भी ऐसा कुछ ना कर दे जैसे कि उसने नैन्सी के साथ किया। खैर हमारी बातें काफ़ी देर तक चली और फिर वो मेरे घर से अपने घर चली गई, मगर उसने मुझे कसम खिलाई थी कि मैं ये बातें किसी को नहीं बताऊंगी। अगले दिन सुबह ही मुझे खबर मिली कि जूली की भी उसी रास्ते पर उसी अवस्था में मौत हो गई है और किसी ने बेहद ही दरिंदगी के साथ उसका बलात्कार किया है और फिर उसे जान से मार दिया है। खैर मैं जूली और नैन्सी के साथ घटी ये सच्ची घटना आपको बता रही हूँ। इस घटना को सार्वजनिक रूप से बताने के लिए जूली और नैन्सी की आत्मा मुझे और मुझे सुनने वालों को माफ करे। तो चलिए दोस्तों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम कुशाल है। ये सच्ची कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मेरी बीवी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। तो कहानी ऐसी है कि एक दिन मैं अपनी कार से किसी ज़रूरी काम के लिए निकला था और रास्ते में काफ़ी जाम लगा हुआ था। मैं भी उसी जाम में फंस चुका था। उसी बीच एक आदमी मेरी कार के विंडो के पास आया और वो कार की विंडो से मुझे अजीब तरह से देख रहा था। मैंने गाड़ी का विंडो डाउन किया और उस आदमी से पूछा, क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब क्या आप आगे पढ़ने वाले प्रशांत नगर तक जाएंगे? तो मैंने कहा, हाँ मैं उससे भी आगे जाऊंगा। तो उस आदमी ने मुझसे उसे प्रशांत नगर तक अपने साथ छोड़ देने को कहा। मैंने कहा, ठीक है आकर बैठ। फिर मैंने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में उसने मुझसे कई बातें की और प्रशांत नगर पास आने पर उसने कहा, धन्यवाद भाई, और फिर वो मुझे कुछ पैसे देने लगा। मैंने उससे पैसे लेने से मना कर दिया और रोड के साइड पर अपनी कार रोकी और उसे कहा, चलिए उतरिए, आगे आपका प्रशांत नगर। गाड़ी से उतरते वक्त उसने अपने बैग में से, जिसे वो अपने साथ लिया था, तो उसने अपने बैग से एक फल निकाला और फिर उसने मुझसे कहा, भाई साहब आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है और उसी के लिए मैं कुछ फल अपने साथ ले जा रहा हूँ। आपने पैसे लेने से तो मना कर दिया है, पर एक फल तो आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसका मन रखने के लिए उससे वो फल ले लिया। वो अमरूद का फल था। मैंने उसे गाड़ी पर ही फ्रंट मिरर के पास रख दिया और फिर वहाँ से निकल गया। उसके बाद शांति नगर में अपना कुछ ज़रूरी काम निपटाकर मैं वापस प्रशांत नगर आया और फिर प्रशांत नगर में ही रहने वाले अपने दोस्त से मिलने पहुँचा। हमने काफ़ी टाइम मौज मस्ती की और हाँ दोस्तों, वहाँ हमारे और भी दोस्त मौजूद थे। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या बात है यार, तुम सब एक साथ क्या कुछ पार्टी वार्टी का प्लान है? तो मेरे दोस्त ने कहा, हाँ भाई मैं तुम्हें बताने ही वाला था और मैंने तुम्हें आज यहाँ इसीलिए बुलाया है। मैंने कहा, तो मेन बात बताना यार, पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है? तो मेरे दोस्त ने कहा, भाई शाम को पार्टी रखा है और तुमको भाभी के साथ आना है, ये सब भी आने वाले हैं मेरी प्यारी भाभियों को लेकर, तो बोलो आओगे ना? तो मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई किसी और दिन रखते हैं ना यार, मगर मेरे कई बार
मना करने पर भी वो नहीं माना। और फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, आता हूँ आज शाम को तुम्हारी भाभी को लेकर। फिर हमने कुछ टाइम बातें की और फिर मैं वहाँ से वापस घर आ गया। फिर मैंने अपनी बीवी को सारी बात बताई और कहा कि शाम को दोस्त के घर पार्टी पर चलना है। तो मेरी बीवी ने कुछ शॉपिंग करने की डिमांड रख दी। तो मैं अपनी बीवी के साथ कार से शॉपिंग के लिए निकल गया। शॉपिंग के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो हम दोनों को थोड़ी प्यास लगी। मैंने गाड़ी को एक दुकान के पास रोका और कहा, आप बैठिए, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ। फिर मैं जब पानी की बोतल लेकर वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी वही अमरूद का फल खा रही थी जो रास्ते में मुझे उस आदमी ने दिया था। मैंने पहले तो सोचा कि उसे वो फल खाने से रोकूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उस आदमी ने मुझे यह फल कितने प्यार से दिया था और उसने मुझे यह फल किसी गलत इरादे से नहीं दिया होगा। मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। हमने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर हम घर के लिए निकल गए। घर पहुंचने के कुछ समय बाद अचानक से मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और फिर उसे कई बार खून की उल्टियां भी हुई और फिर मेरे सामने ही उसे एक और उल्टी आई जिसमें उसने जो फल खाया था उस फल के छोटे छोटे टुकड़े बाहर आए और वो टुकड़े बिल्कुल काले पड़ चुके थे। वो देख के मैं बहुत हैरान हो गया। मैं ये सोच रहा था कि खाए हुए फल के टुकड़े बाहर कैसे आ सकते हैं, वो भी बिल्कुल काले। मैंने अपनी बीवी को साहस बनाया और कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। दोस्तों, उस वक्त जब मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए अपनी बीवी से कह रहा था तो उस वक्त की उसकी वो दर्दनाक चीखें आज भी याद आने पर मुझे हिला के रख देती हैं। मैं डॉक्टर को अपने साथ लाने के लिए घर से बाहर निकला और जब मैं अपनी कार के पास पहुंचा तो मैंने जल्दी से अपनी कार का दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वही आदमी जो मुझे रास्ते पर मिला था, जिसने मुझसे उसे प्रशांत नगर छोड़ने को कहा था और जिसने मुझे वो फल दिया था जिसे खाकर मेरी बीवी की ऐसी हालत हुई थी, वही आदमी मुझे गाड़ी के साइड मिरर में अपने पीछे खड़ा दिखा। वो मेरी तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मुझे काफ़ी तेज गुस्सा आया और मैं उस आदमी की तरफ मुड़ा और जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई आदमी था ही नहीं। मैं वापस गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि गाड़ी में वही फल रखा हुआ था, वही अमरूद का फल जिसे उस आदमी ने मुझे दिया था। और तभी वो फल धीरे धीरे काला पड़ने लगा और वो मेरे देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पूरा काला पड़ गया। मैंने उस फल को छूना चाहा और जैसे ही उस फल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वो फल धुआं बनकर गायब हो गया और उसके गायब होते ही मेरे घर से मेरी बीवी की बेहद ही दर्दनाक चीख सुनाई दी। मैं फौरन घर की तरफ भागा और जब मैं घर में अपनी बीवी के कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा मेरी बीवी बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। पास जाकर उसे चेक करने पर मुझे पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये थी मेरी बीवी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। अपनी बीवी का अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म करने के बाद
जब मैं एक बाबा से मिला और उन्हें अपनी बीवी के साथ घटी सारी घटना बताई, तब उन्होंने बताया कि जिस फल को उसने खाया था उस पर टोटका किया गया था। फिर उन बाबा ने बताया कि जिस आदमी ने तुम्हें ये फल दिया था उसके बेटे पर एक जिन्न का साया था और उस फल पर उसकी नज़र उतारी गई थी एक ओझा द्वारा, और उस ओझा ने उस जिन्न के साये को उसी फल में उतार दिया था जिसे बाद में आपकी पत्नी ने खा लिया और उस जिन्न का साया आपकी पत्नी पर सवार हो गया और उसने आपकी पत्नी के साथ गलत काम भी किया। उसने आपकी पत्नी के साथ वो सब किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। बाद में उसने आपकी पत्नी का दिल खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी को मैं सार्वजनिक रूप से कभी भी ना बताता, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप सब इन मुसीबतों में कभी ना फंसें। बाहर वालों की तो छोड़िए, आपका कोई करीबी भी आपके ऊपर टोना टोटका करवा सकता है, तो हमेशा सावधान रहिए। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राजू वाघेला है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई रोहित पैदल ही अपने घर आ रहे थे। दरअसल हम दोनों बगल के गांव में क्रिकेट खेलने गए हुए थे और लौटते वक्त हमें काफ़ी रात हो चुकी थी। रास्ते में रोहित को टॉयलेट आई तो वो रोड की साइड टॉयलेट करने लगा। तभी अचानक से उसके सामने लगा एक बड़ा सा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। आसपास के सारे पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, सिर्फ वही पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। वो देख के हम बहुत डर गए और वहाँ से तुरंत भाग निकले। घर पहुँचकर हमने ये बात सभी को बताई तो मेरी माँ ने हमें खूब डांटा और कहा कि आगे से कभी भी किसी पेड़ के सामने टॉयलेट मत करना। फिर हम सब सोने चले गए। सुबह जब हम सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे तो मेरी माँ ने कहा, राजू, ये रोहित आज अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं आया। मैंने कहा, मैं देखता हूँ। जब मैं रोहित के कमरे में पहुँचा तो मैंने देखा वो बहुत कांप रहा था। मैंने उसे छूकर देखा तो उसे काफ़ी तेज बुखार था। मैंने माँ को बुलाया, सभी लोग बहुत परेशान हो गए। फिर हमने डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर जब घर पर आए तो उन्होंने रोहित को कुछ दवाइयाँ दी और फिर डॉक्टर ने मेरी माँ से कहा कि मैम, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फीवर है आपके बेटे को, मैंने कुछ दवाइयाँ दी हैं, इन्हें टाइम से इसे खिलाते रहिए, कल फिर मैं इसे चेक करने के लिए आऊँगा। फिर डॉक्टर चले गए। हम सब ने भी सोचा कि रोहित ने अभी दवाई खाई है, थोड़े टाइम बाद इसे आराम मिल जाएगा, मगर दोपहर तक रोहित की हालत बहुत खराब हो गई। हमने वापस डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर ने रोहित को देखा तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसा केस उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। डॉक्टर ने कहा कि आप रोहित को जल्दी से जल्दी किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज कर पाना मेरे बस में नहीं है। फिर डॉक्टर ने हमें एक बड़े डॉक्टर का पता नोट करवाया और हमने भी फिर देर न करते हुए रोहित को अपने कार में बैक सीट पर लिटाया और डॉक्टर ने हमें जिन बड़े डॉक्टर का एड्रेस नोट कराया था उन्हीं से मिलने के लिए हम लोग चल पड़े। मेरी माँ मेरे बगल वाले सीट पर बैठी थी और मैं
गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रास्ते में जाते समय हमें एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। माँ ने कहा कि माता का आशीर्वाद लेकर चलते हैं। मैंने मंदिर के बाहर गाड़ी रोकी और रोहित को सहारा देकर मैं मंदिर ले जाने लगा। जब हम मंदिर में पहुंचे तो मैंने देखा मंदिर का पुजारी रोहित को बड़े ध्यान से देख रहा था। मैं उनसे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ कि तभी रोहित के हाव भाव बदलने लगे और झटके से मेरा हाथ छोड़कर वो जमीन पर बैठ गया। और फिर उसके बाद उसने अपना सर 7-8 बार गोल गोल घुमाया और वो बहुत अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा था। मेरी माँ ने मंदिर के पुजारी से कहा, बाबा ये मेरे बच्चे को क्या हो गया है? हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और हम इसे एक बड़े डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे। तो पुजारी ने कहा, बहन जी आपका बेटा किसी भी दवा से ठीक होने वाला नहीं है। तो मेरी माँ ने पुजारी से कहा कि बाबा आप ही कुछ उपाय बताइए। तो पुजारी ने कहा कि 7 नींबू और 100 ग्राम लौंग और 1 मिट्टी का मटका, साथ ही 1 लाल कपड़ा जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। पुजारी के कहे अनुसार सारी चीज़ें मैं मंदिर में लेकर आया और फिर पुजारी ने वो लौंग और नींबू उसी मटके में डाल दिया और फिर वो माता के पास से कोई लाल रंग का पाउडर लेकर आया। मुझे पता नहीं वो क्या था। उसने वो पाउडर उसी मटके में डाला और फिर मटके को थोड़ी देर तक उसने यूं ही छोड़ दिया और फिर मटके में हाथ डालकर उसने सभी नींबू लौंग और उस लाल पाउडर को आपस में मिला दिया और फिर उसे एक लाल कपड़े में डाल दिया और वो लाल कपड़ा वो माता के पास से ही लाया था। उसने वो लौंग नींबू और लाल पाउडर को उसी लाल कपड़े में बांध दिया और फिर वो उस लाल कपड़े की गठरी को माता की मूर्ति के पास ले गया और फिर वापिस आकर उसने कोई मंत्र पढ़ा और फिर 7 बार उसे मेरे भाई के ऊपर से उतारा। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया और फिर उसने वो लाल कपड़े की गठरी को उसी मटके में डाला और फिर जो लाल कपड़ा उसने मुझसे मंगाया था उस कपड़े से उसने उस मटके का मुंह बंद कर दिया और फिर वो मटका उसने मुझे देते हुए कहा कि जल्दी से जल्दी इसे उसी पेड़ के पास रख कर आओ जहाँ पर तुम्हारे भाई ने टॉयलेट की थी। और उसने ये भी कहा कि गलती से भी इस मटके को गिरा मत देना, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर इसके आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं उस मटके को उस पेड़ के पास रखकर वापिस तो चला आया दोस्तों, मगर यकीन मानिए जब मैं उस मटके को ले जा रहा था तो धीरे धीरे वो मटका काफी भारी होता जा रहा था। खैर उसके बाद से फिर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और दोस्तों उस पुजारी ने मेरी माँ से बताया कि आपके बेटे ने जिस पेड़ के पास टॉयलेट किया था उस पेड़ पर प्रेत का वास था और आपके बेटे की इस हरकत से वो प्रेत बहुत ही गुस्से में आ गया था। ये तो माता का आशीर्वाद है आप लोगों पर कि वक्त रहते आप यहाँ पहुँच गए। अगर आपने और देर कर दी होती तो आपके बेटे का बचना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। तो दोस्तों ये थी मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विशाल है, मैं गुजरात में रहता हूँ। मैं आपको अपने साथ घटी
बिल्कुल सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। यह बात आज से 3 साल पहले की है, जब एक दिन दोपहर को मैं अपने पिताजी को खाना देने जा रहा था। मतलब मेरे पिताजी की एक कपड़े की दुकान है और हर रोज वो खाना खाकर ही दुकान पर जाते थे, मगर उस दिन उन्हें दुकान पर जल्दी पहुंचना था और वो बिना खाना खाए ही चाय नाश्ता करके दुकान के लिए निकल गए। दोपहर में जब मैं स्कूल की छुट्टी के बाद घर आया तो माँ ने मुझे पिताजी को दुकान पर खाना देने के लिए भेज दिया। मैं अपनी साइकिल से जब पिताजी को खाना देने के लिए जा रहा था तब अचानक से रोड की दूसरी साइड से एक साया आया और मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने मुझसे वो खाने का टिफिन खींचने के लिए साइकिल पर टंगे झोले को खींचा। दोस्तों, उस झोले में ही मैं पिताजी के लिए खाना एक टिफिन में पैक करके ले जा रहा था। उस काले साये ने उस झोले को इतनी तेजी से खींचा कि वो फट गया, मगर इसी के साथ मेरी साइकिल भी रोड पर घिसटती हुई काफी दूर तक चली गई। दोस्तों, उसके बाद मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे परिवार के सभी लोग मेरे पास मौजूद थे। उस रोड एक्सीडेंट में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरे सर पर 3 टाके आए और मेरा दाहिना पैर काटना पड़ा था, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे दाहिने पैर की कोई नस कट गई थी और खून लगातार निकलता जा रहा था, जिस वजह से डॉक्टर्स को मेरा पैर काटना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम संदीप है, मैं आपको अपने साथ घटी सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। ये बात आज से 7 महीने पहले की है, जब मैं एक रात फैक्ट्री से काम खत्म करके अपने घर जा रहा था और उस दिन मैंने एक शराब की बोतल भी खरीदी थी। वो बोतल कांच की थी, तो जिस रास्ते से मैं डेली घर आता था उसी रास्ते पर एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो पता नहीं क्यों मुझे शराब पीने का बहुत ही ज़्यादा मन होने लगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर पर ही पीऊँगा, मगर मुझसे रहा नहीं गया और उस कब्रिस्तान के पास ही मैं रोड के किनारे बैठकर शराब पीने लगा। जब मैं शराब पी रहा था तो मुझे कब्रिस्तान से किसी की रोने की आवाज़ें आ रही थी, मगर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने शराब पी ली तो मस्ती में मैंने शराब की उस कांच की बोतल को रोड के बीच में ही फोड़ दिया और फिर अपने घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने पर मुझे रोड पर अपने सामने एक आदमी खड़ा दिखा। वो आदमी बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ा था। मैं नशे में था। मैंने कहा, अबे बीच रोड में क्यों खड़ा है बे, रोड तेरे बाप की है क्या? मगर वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था। मैंने उससे कहा, रुक बताता हूँ मैं तुझे। मैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा और जैसे ही मैं उसके काफ़ी पास पहुँचा तो मैंने देखा कि उस आदमी के धड़ पर सर ही नहीं था और वो आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था। एक झटके से मेरा सारा नशा उतर गया। मैं उल्टे पांव वहाँ से बेतहाशा भागा और थोड़ी दूर पीछे जाने पर ही मेरी चीख निकल गई। मेरा पैर उसी कांच की बोतल पर पड़ गया जिसे मैंने रोड के बीच में फोड़ा था। वो कांच का टुकड़ा मेरे तलवे के आर पार हो गया। वो कांच का टुकड़ा
मेरा पूरा पैर का तलवा फाड़कर ऊपर की साइड निकल आया था और वो बिना सर वाला आदमी मेरी आंखों के सामने ही मेरे से थोड़ी दूर आकर अचानक गायब हो गया। मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया, फिर मेरा दोस्त मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मेरे पैर पर 8 टांके आए। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम रवि है, मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। बचपन से ही मुझे अपने घर पर बहुत अजीब महसूस होता था। एक रात जब मैं अपने घर पर कमरे में सोया हुआ था तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि वो गर्मियों का टाइम था पर मेरे घर के सभी लोग कमरे में ही सोते थे क्योंकि छत पर हमें काफ़ी मच्छर परेशान करते थे। लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी तो मैं अकेले ही छत पर सोने के लिए चला गया। आधी रात करीब 1 या 2 बज रहे होंगे, मुझे सोते हुए बहुत अजीब से सपने आ रहे थे। सपने में मैंने देखा कोई भयानक सी औरत जिसने अपने बाल पूरे खोल रखे थे और उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। वो मेरे से कुछ दूर पर हाथ पर एक बड़ा सा चाकू लेकर खड़ी थी और मैं छत पर बिल्कुल अकेला था और सो रहा था। और फिर एकदम से उस औरत ने वो बड़ा सा चाकू मेरे पेट पर घुसा दिया। इतना देखते ही मैं एकदम से जाग गया, डर से मेरे पसीने छूट गए। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की और चादर को अपने से पूरा ढक लिया, मगर तभी मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास में पैर जमीन पर पटकता हुआ चल रहा हो। वो आवाज़ें सुनकर मैं बहुत डर गया और फिर हिम्मत करके मैंने खुद से हल्की सी चादर हटाई तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कई सारे काले साए मेरे चारों तरफ घूम रहे थे। मैं इतना डर गया कि मैं जितनी तेज चीख सकता था, दोस्तों मैं उन काले सायों को देखकर जोर जोर से चीखने लगा। डर से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग छत पर आ गए और सभी ने मुझे शांत कराया, फिर मुझे समझाकर कि ये सब मेरा वहम है। मुझे कमरे में पापा ने अपने पास ही लेटने को बोला और फिर से मैं कभी छत पर नहीं सोया। हालांकि अभी मैं कई सालों से अपने मामा के घर पर हूँ और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन की घटना को याद करके आज भी मेरा दिल दहल जाता है। और मुझे इतना तो पक्का यकीन है कि वो मेरा वहम बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो दोस्तों ये थी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आए होंगे। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।